फिर से 23 ग्राम सोडियम कितने एटम्स होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो इस तादाद को 23 से डिवाइड कर देंगे तो एक ग्राम सोडियम में एटमों की तादाद पता चल जाएगी डिवाइड करने पर। अब हमें कितने ग्राम में सोडियम के एटम चाहिए बताइए, 9.2। अब यहाँ लिखेंगे 9.2 ग्राम सोडियम अगर हम ले लें तो उसमें कितने एटम होंगे, क्या करना होगा, 9.2 से इस रकम को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस क्या आ जाएगा देखें यहाँ पे 9.2 मल्टीप्लाई 6.02 × 10 की पावर। जब आप चीज़ों को समझ लेते हैं ना तो जहन पे जोर देना कम पड़ जाता है, फिर आप खुद कर लेते हैं। अपॉन में कौन है बोले 23। फिर से देखें, फिर से हमने क्या कहा कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम में इतने एटम्स होंगे, ये बात है वो गार्डो से हमें पता चले, ठीक। फिर हमने निकालना है कि 1 ग्राम सोडियम अगर हम ले लें तो उसमें कितने एटम होंगे, तो इस नंबर को डिवाइड कर देंगे किससे, 20। तो 1 ग्राम में सोडियम एटमों की तादाद पता चल गई। अब 9.2 ग्राम में कितने होंगे, तो क्या करेंगे, इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 9.2 को। तो इससे पता चल जाएगा कि 9.2 ग्राम में कितने, अब देखिए इसकी एक मिसाल और मुझे याद है, अभी अभी जहन में आएंगे, अभी अभी आएंगे। बताइए अगर 10 किताबों की कीमत फर्ज कर लें, 10 बुक्स हैं, कितनी इनकी कीमत है, 500 रुपये। 10 किताबों की कीमत कितनी है, अब मैं आपसे कहता हूँ 25 किताबों की कीमत बताओ, 10 किताबों की कीमत है 500 रुपये, आपको शॉपकीपर ने बताया, तो बताइए कि 25 किताबों की कीमत कितनी होगी। देखिए इसको समझिए, 10 किताबों की कीमत 500 रुपये, तो पहले निकाले कि एक किताब की कीमत कितनी है, नहीं समझे बात को, उसके लिए क्या करेंगे बताइए, ये जो 500 है इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 500 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक बुक की कीमत आ जाएगी, नहीं समझे बात को, 500 को 10 से डिवाइड करके आता है 50, कितना आता है 50 रुपीज़ आ गया। अब बताएं 25 किताबों की कीमत कितनी होगी, तो 25 किताबों को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 50 से, समझ गए बात को, तो 25 किताबों की कीमत कितनी होगी, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस यही हो रहा है। फिर से देखें 23 ग्राम में एटमों की तादाद इतनी है, तो फिर देखना 1 ग्राम में कितनी होगी, तो इस रकम को 23 से डिवाइड कर देंगे, फिर 9.2 ग्राम में कितनी होगी, 9.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर आपने डिवाइड वो तो डिवाइड पहले से मौजूद है ना, ये रकम तो डिवाइड कर की नहीं हमने, इसको उसी तरह लिख दिया है, इसको उसी तरह लिख दिया है, बस 9.2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप एक ही हाथ में कैलकुलेटर के जरिए कर लीजिए इसको, चाहे तो पहले इसको डिवाइड करके 9.2 से मल्टीप्लाई कर दें, या 9.2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करके 23 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। देखिए क्या आ रहा है, कीजिएगा ज़रा इसको, हाँ ये सवाल उन्होंने किया कि ये कैसे लिखेंगे, ये देखो सबसे पहले 9.2 लिखा आपने, सही है, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या लिखेंगे 6.02, या आया 6.02, फिर ये मल्टीप्लाई 10 लिखना है, तो मल्टीप्लाई 10, exp का बटन नज़र आ रहा है, exp का बटन दबा दें तो यहाँ आ जाएगा e लिखा हुआ, और बास कैलकुलेटर में आता है मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ, अरे वो आपके कैलकुलेटर में क्या आ रहा है, e आ रहा है, कोई मसला नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई 10, उसके बाद क्या लिखा हुआ ऊपर 23, उसी के साथ 23 लगा दें, लगा दिया 23। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, 23 से, क्या जवाब आया, एक्सपोनेंट 20, बिल्कुल यही है 2.408 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 9.2 ग्राम सोडियम लेंगे तो उसमें एटमों की तादाद ये होगी। डिवाइड करके बाद में मल्टीप्लाई करके देख लें आप, यही आएगा जवाब, करके चेक करके देख, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, पहले डिवाइड कर लें फिर 9.2 से कर लें, लेकिन इस मेथड को फॉलो करने में हमें थोड़ी आसानी रहती है ना, कि हमारी नज़रों के सामने हर चीज़ होती है। देखें आप आखिरी बात करें इसमें, इस रिलेशन के हवाले से बताइए, जो 9.2 है ये कौन है, मास ऑफ सोडियम, ये क्या है, मास ऑफ सोडियम, हमेशा मास ऑफ सब्सटेंस को हम स्मॉल एम से शो करते हैं, इससे ये बताइए ये कौन है, ये एवोगाड्रो नंबर, क्या है ये, एवोगाड्रो नंबर,
ये बताइए ये कौन है? ये एटॉमिक मास है। क्या है? एटॉमिक मास। देखें बड़ी दिलचस्प बात है, अगर आपको किसी भी शे का मास मालूम करना है या उसमें पार्टिकल्स की तादाद मालूम करनी है, पार्टिकल्स की तादाद सॉरी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला ही है। इसको मैं मिटाई दूँ ना, अभी हो तो गया। वो फार्मूला बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ लिखा नंबर ऑफ एटम्स। क्या फार्मूला है? 9.2। ये कौन है? ये मास ऑफ सब्सटेंस है। क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, जिसमें मालिकुलो एटम्स की तादाद पता करनी है। उसके आगे क्या आएगा बोलिए? एवोगाड्रो नंबर, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? एटॉमिक मास। नीचे क्या आया बोलिए? एटॉमिक मास। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये नंबर ऑफ एटम ही मालिक्यूल होते तो फार्मूले में क्या चेंज आता? अगर क्या होता नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बताइए तो क्या होता? ये स्मॉल एम तो वैसे ही रहता, एवोगाड्रो नंबर भी वैसे ही रहता, और नीचे क्या आ जाता है? एटॉमिक मास की जगह मालिक्यूलर मास आ जाता है। उसको किससे शो करते हैं हम? कैपिटल कैपिटल एम से। सिर्फ एम लगाते हैं काफ़ी है, डबल एम भी लगाते हैं। एम लगा शॉर्ट करें, इतना शॉर्ट करके करेंगे उतना समझ में आएगा, आसानी से होगा। तो ये फार्मूले दोनों नोट कर लें, अगर एटम्स निकालने हो तो ये, और अगर मालिक्यूल्स की तादाद निकालनी हो तो ये, झगड़ा ही ख़त्म हो गया। अगर आपको समझ में पंचायत नहीं आ रही तो आप ये फार्मूला तो याद कर सकते हैं, पुट द वैल्यू गेट द, बात ही ख़त्म हो गई। ये आपका क्वेश्चन 2 का ए पार्ट था, लिख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन 2 का ए पार्ट बुक का। एक और मैं चाहता था, अगर कर लेता ना छोटा सा तो सही रहता। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल कर लें, रुक जाओ छोड़ दें उसको। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यस, इतने ग्राम अगर हम ग्लूकोज ले लें तो उसमें कितने मालिक्यूल्स ग्लूकोज के होंगे? डेटा बना सकते हैं इसका? डेटा कैसे बनाएंगे बोले? क्या बताना है? ये 2400 ग्राम कौन है? मास ऑफ सब्सटेंस है ये, यानी किसका मास है? ग्लूकोज का। तो ये मास ऑफ सब्सटेंस आ गया 2400 ग्राम, ये आपका ग्लूकोज है उसका मास। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आपको बताने हैं। क्या बताने? तो इसको किससे शो करें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स? अच्छा, आप ये जो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स है इसको आप एन कैपिटल एन से शो कर सकते हैं। किससे? कैपिटल एन से। ये मालूम करना है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। अच्छा, उसके बाद फिर एक चीज़ और चाहिए होगी, क्या? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है बोले? 23 मालिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? एवोगाड्रो। अब बताएं किस रास्ते से करना चाहेंगे आप इस सवाल को? नीचे वाले से करें? दोनों सूरतों में आपको मालिकुलर मास तो चाहिए। क्या मालूम करना पड़ेगा पहले? ग्लूकोज का। तो सोल्यूशन में पहले आप मालिकुलर मास निकालेंगे ग्लूकोज का, याद है? ग्लूकोज C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर मास को एम से शो करते हैं, 6 एटम कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के, और फिर 6 एटम ऑक्सीजन के। ये तो आपने पहले भी किया ना, ये देखें इस तरह प्रैक्टिस करते करते आपको ऐसे ही नाम याद हो जाया करेंगे, और फिर इनके एटॉमिक मासेस भी रटने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही याद हो जाएंगे। यस, देखें ना, आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, आपको यहाँ देखने की भी ज़रूरत नहीं, आप खुद कर सकते। 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है, सही, शाबाश। मॉलिक्यूल का 32 होता है।
ट्वेल्व सिक्स 72 हो गया, 12 वन 12 हो गया, 66 प्लस करना है सर, 180। दिस इज द एटॉमिक मास, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस 180 बताओ, बात करते हैं। अब आपको एम भी पता है, स्मॉल एम भी पता है, एन पता है, फार्मूला आपके सामने मौजूद है। एक तरीका तो वो है, उसे आप कर सकते हैं डायरेक्ट, और एक तरीका ये है, मैं चाहूँगा कि आप इस तरीकों को फॉलो करें जो अभी बुक वाली मिसाल से समझाया है, ताकि आप सोशियोमेट्री के क्वेश्चन आसानी से कर सकें। समझ रहे बात को, मेथड तो मेरी जिम्मेदारी थी, दोनों बता दिए आपको, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको पहले वाले मेथड से करें। उसमें क्या करना पड़ता है बताइए, पहले वाले मेथड में क्या लिखना पड़ता है? वन मोल ऑफ ग्लूकोज, बताइए ग्लूकोज का वन मोल होता है C6H12O6। वन मोल ऑफ ग्लूकोज कितने ग्राम के बराबर है? 180। इसका मॉलिकुलर मास है, तो वन मोल ऑफ ग्लूकोज में कितने ग्राम होंगे? 180 ग्राम होंगे। और फिर इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो कितने होंगे? 6.23 मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के। फिर से देखिए, हम जानते हैं कि वन मोल ऑफ ग्लूकोज, उसमें मॉलिक्यूलों की तादाद 6.02×10^23 होती है। क्या मैं स्मॉल की जगह अगर 180 ग्राम लिख दूँ तो गलत तो नहीं होगा? बोलिए, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने पार्टिकल्स होते हैं? इतने। तो बताइए फिर, एक ग्राम ग्लूकोज में कितने होंगे? इसमें एक ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने होंगे? क्या करेंगे बताइए भाई, अभी बताया 10^23 को डिवाइड कर देंगे किससे? 180 से। तो एक ग्राम में ग्लूकोज की तादाद निकले, मॉलिक्यूल्स की तादाद। अब क्या होगा? अब हमें चाहिए था क्या? हमारे पास था 2400 ग्राम के, इतने ग्राम में कितने होंगे तो बताइए, 2400 ग्राम में ग्लूकोज कितने होंगे? तो 2400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02×10^23 से और डिवाइड कर देंगे 180 से। आप मुझे सिर्फ एक ही हाथ में जवाब बताएं क्या आ रहा है। उसमें लेकर आए, आपने मेरा ख्याल वैसे कर दिया, ये है ना 2400, देखो यहाँ पे लिखे 2400 मल्टीप्लाई बाय 6.02, एक्सपोनेंट का बटन एक दफ़ा दबाना है आपने, और फिर लिखना है 23, ये आ गया, फिर डिवाइडेड बाय 180, 8.02×10^24 कितना आ रहा है? डैट इज़ योर आंसर। इसका मतलब है कि अगर आप 2400 ग्राम लेंगे ग्लूकोज, उसमें एटम्स मॉलिक्यूलों की तरह नहीं निकलेंगे। अगर आप इसी चीज़ को इस फार्मूले से करेंगे तब भी ये ज़्यादा आएगा। हाँ, पॉइंट के बाद दो चार कम से कम लिखनी चाहिए असूलन, कितनी? चार। और अगर राउंड कर सकते हैं तो दो तक राउंड करके लिखते हैं। अच्छा, आपने देखा कि किस तरह से अगर मास गिवन हो तो उसके ज़रिए एटम्स की तादाद या मॉलिक्यूलों की तादाद पता कर लेते हैं। अब अगर मॉलिक्यूल्स की तादाद गिवन हो तो उसका मास कितना होगा? उल्टा मास, दूसरा यूज। हाँ उतार ले, मैं जब तक हेडिंग डाल दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स।
मास एंड ग्राम्स ऑफ 3.0 हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलत गलती नहीं है, उसी का है वो फार्मूला 3.01 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज भी लिखा है, साथ में ये इसका फार्मूला भी लिख दिया C6H12O6। कैलकुलेट करोगे कितने एटम्स हो गए, डेटा बना लें, डेटा में कह रहे कैलकुलेट मास इन ग्राम, मास ऑफ ग्लूकोज बताना है, यह आपका मास ऑफ सब्सटेंस है, इसको स्मॉल एम से भी शो करें, ठीक है भाई। और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको एन से भी शो करते हैं, कितने दिए हुए 6 3.01 × 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स गिवन है, नहीं जब डिवाइड किया था तो 24 आ रहा था, सॉल्व करने के बाद 24 आ रहा था, और रकमें मल्टीप्लाई हुई होंगी ना, आगे पीछे बेस 10 की पावर बढ़ गई होगी। अच्छा उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स दिए हुए, इतने मालिक्यूल्स का बताना है मास कितना होगा, इतने मालिक्यूल्स का मास कितना है, एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है ये तो आपको पता ही है, यानी ये देखिए इसको ज़रा सजा दें, डेकोरेट करें, एन ए, एन ए से शो करते हैं वो कार्ड, 6.02 × 10 की पावर 20, वो भी कम, आप सिर्फ एन ए भी लिख सकते हैं, अब देखें ना आप आप काम कर रहे हैं तो आपको पता अंदाज़ा हो रहा है कि आप किस किस तरह से लिख सकते हैं। दोबारा आ जाएंगे, सबसे पहला काम मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा, हम दोबारा नहीं कैलकुलेट कर रहे, अभी कैलकुलेट किया था सॉल्यूशन में आपने पहले क्या निकाला है, सबसे पहला काम, उसके बगैर हम एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। हाँ भाई क्या निकाला था अभी, देखना जरा पेज पलट के, ये था 180 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180। अब यहाँ आ जाए, फ्रॉम थ्योरी में एक बात पता है कि जो वन मोल होता है, क्या वन मोल ग्लूकोज का अगर हम एक मोल ले लें तो कितने ग्राम लेना पड़ेगा, शाबाश, वन मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या होगा, 180 ग्राम आपने ग्लूकोज ले लिया, सब एटम्स की तरह मॉलिक्यूल्स की तरह, 23 मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं, इसका मतलब है कि अगर आप एक मोल ग्लूकोज लेंगे तो उसमें 180 ग्राम होगा मास उसका, और उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगाड्रो के मखरूजे के मुताबिक वो होगी, इस बात से हम फायदा उठाएंगे, ठीक है, इस बात से हम फायदा उठाएंगे। वीडियो स्टॉप हो जाए तो बता देना मुझे, देखते रहना उसे, ठीक है भाई, कैसे फ़ायदा उठाएंगे, हम जानते हैं इसको, क्या मैं इस तरह लिख सकता कि 180 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको अगर रिवर्स में लिखना चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6.02 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स अगर आप ग्लूकोज के ले लें तो उसका वज़न कितना होगा, बोले 180 ग्राम होगा, इतने मॉलिक्यूल्स का वज़न 180 ग्राम होगा, तो बताएं एक मॉलिक्यूल का वज़न कितना होगा,
क्या करेंगे बताइए? शाबाश, डिवाइडेड बाय व्हाट? 6.02 इंटू 10^23 से डिवाइड कर देंगे तो एक मालिक्यूल का वजन ये होगा। तो फिर बताइए कि इतने मालिक्यूलों का वजन कितना होगा? नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने दिए मैम? इतने दिए हैं तो इतने मालिक्यूलों का वजन क्या करेंगे बताइए? आप यहाँ लिखेंगे 3.01 × 10^20 जो मालिक्यूल्स है उनका जो वजन है वो कितना होगा, क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे पास जगह नहीं बन रही है, आपके पास अगर जगह है तो आप लाइन में लिखें नहीं तो नीचे आ जाए। क्या होगा? 3.01 × 10^20 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई एवोकाडो नंबर था ना वो नीचे, इसको एक ही याद में रख क्या आ रहा है जस क्या आंसर होगा? 1 इससे डिवाइड करेंगे तो एक मालिक्यूल का मास आ जाएगा, इसका एक वो हमें इतने मालिक्यूलों का मास चाहिए तो इससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, वही स्टेप हो रहा है जो उसमें किया था पहले। नहीं जवाब गलत आया, क्या है जवाब बताइए? माइनस, अच्छा नहीं सही है, आपने उसको उसमें किया हुआ है कैलकुलेटर को ऐसे ही में नॉर्मल कर लें, कैलकुलेटर नॉर्मल कर लें, 0.09 आंसर है। क्या आंसर है? 0.09 ग्राम, ये है आंसर। मैं भी चेक कर लेता, 3.01 एक्सपोनेंट 20 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 20, 0.09 इज द करेक्ट आंसर, सही है। बस उसको नॉर्मल करना पड़ेगा, ये लिख लिया। बताइए इसका फार्मूला कैसे बनेगा? ये कौन है? हाँ भैया आ जाओ, ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है, 180 कौन है? मालिक्यूलर मास है, और नीचे कौन है? एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए फार्मूला कैसे बन गया, फार्मूला ऐसे बनेगा, इसका फार्मूला नोट कर लें आप लोग, आप आइंदा फार्मूले से भी कर सकते हैं मास मालूम करने का फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मालिक्यूल्स मल्टीप्लाई मालिकुलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो किसी भी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का मास कितना होगा वो इस फार्मूले से निकल आएगा, ये मास है ये, ठीक ओके। यार ये असाइनमेंट ले लें बाद में, इसको फिर देखते हैं, असाइनमेंट नोट करें बराबर, होमवर्क या असाइनमेंट, ये घर से ये आप करते भी हैं घर पे या नहीं? जब आपको दिया जाता है तो पहला क्वेश्चन कैलकुलेट मास ऑफ पॉइंटी मालिक्यूल्स ऑफ, पहला पार्ट है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा पार्ट C2H4, ये करना है आपने, नोट कर लो। कितने मिनट हो गए यार, तो दूसरी वीडियो स्टार्ट हो गई, हाँ और क्या 13 मिनट, ये तो दूसरी वीडियो स्टार्ट भी हो गई है, दूसरी वीडियो स्टार्ट, एक और करें, हाँ ये देखो नई वीडियो, कितने मिनट की वीडियो बन रही है ये?